हेलो फ्रेंड्स, न्यूज़ विद आईएएस में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कोरोना लॉकडाउन के बीच छूट दी गई है, किताब व बिजली के पंखों की दुकानें खुलेंगी। इसके साथ ही लॉकडाउन अवधि में स्कूल नहीं वसूल सकेंगे परिवहन शुल्क। नेक्स्ट न्यूज़ यहां पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सामान बनाने वाली कंपनी को केंद्र की अनुमति, पुरानी पैकिंग पर तिथि बदलकर सामान बेच सकेंगे। इसके साथ ही नेक्स्ट न्यूज़, व्हाट्सएप पर 8 लोग कर सकेंगे वीडियो कॉल। और अगली न्यूज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, किस्त ना जमा करने वालों को ब्याज में मिलेगी छूट। इसके साथ ही PCS और RFO के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। 3 वर्ष का रजिस्ट्रेशन पूरा करने वाले अधिवक्ताओं को 5,000 रुपये देगी सरकार। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं यहाँ पर विस्तार से। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, छूट, किताब व बिजली के पंखों की दुकानें खुलेंगी, इन्हें मिली है ढील। सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं, मोबाइल के प्रीपेड कनेक्शन को रिचार्ज कराने की सुविधा, ब्रेड बनाने की फैक्ट्री या मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट, आटा दाल मिले, बुजुर्गों की देखभाल करने वालों को भी आने जाने की छूट होगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी लेटेस्ट न्यूज़ लगातार प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को स्कूली किताबों, बिजली के पंखों की दुकानों को लॉकडाउन के दौरान खुले रहने की इजाज़त दे दी है। वहीं ब्रेड फैक्ट्री और आटा दाल मिलों को भी लॉकडाउन में छूट दी गई है। बुजुर्गों की देखरेख के लिए उनके साथ रहने वाले मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज यूनिट, शहरों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को छूट में शामिल करने के लिए स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, लॉकडाउन अवधि में स्कूल नहीं वसूल सकेंगे परिवहन शुल्क। जी हाँ दोस्तों, यूपी के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने निर्देश दिया है कि लॉकडाउन अवधि में छात्र छात्राओं से परिवहन शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस संबंध में प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला ने आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे, सामान बनाने वाली कंपनी को केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी है, छूट दी गई है पुरानी पैकिंग पर तिथि बदलकर सामान बेचने की। इसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोरोना वायरस संक्रमण से पटने के लिए पूरे देश में जारी दूसरे दौर के लॉकडाउन के बीच पैकेट बंद सामान बनाने वाली कंपनियां पुरानी पैकिंग पर तिथि बदलकर सामान बाजार में बेच पाएंगी। केंद्र सरकार ने ये इजाज़त दे दी है, कंपनियों को पुरानी पैकिंग में नई निर्माण तिथि लिखना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही आज की बड़ी अपडेट, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हाट्सएप पर 8 लोग कर सकेंगे वीडियो कॉल। नई दिल्ली से आज के न्यूज़, व्हाट्सएप अपने उपयोगकर्ताओं को एक और सुविधा देने जा रहा है। दरअसल अब व्हाट्सएप ग्रुप वीडियो कॉलिंग में 4 की जगह 8 लोग शामिल हो सकेंगे। कंपनी ने लेटेस्ट बीटा वर्जन को रोल आउट करना शुरू कर दिया है। फेसबुक के स्वामित्व वाला मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप कोरोना संकट में एक दूसरे से जुड़ने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। दुनिया भर में करीब 2 अरब लोग इसका उपयोग मैसेजों का आदान प्रदान करने के लिए कर रहे हैं और इस संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। व्हाट्सएप के अनुसार आपके संदेशों की तरह व्हाट्सएप कॉल एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, इसलिए व्हाट्सएप और तीसरा पक्ष आपकी बातों को नहीं सुन सकता। रिपोर्ट के अनुसार इस सुविधा का लाभ लेने के लिए उपयोगकर्ता को बीटा वर्जन की ज़रूरत होगी। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, किस्त ना जमा करने वालों को ब्याज में मिलेगी छूट। लॉकडाउन होने की वजह से मकान, फ्लैट तथा भूखंड की किस्तें समय पर ना जमा करने वालों को ब्याज में छूट मिलेगी। लॉकडाउन खत्म होने के बाद आदेश जारी होने की उम्मीद है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे, PCS और RFO के लिए आवेदन शुरू हो गए। ऑनलाइन आवेदन शुरू करने का विरोध भी किया जा रहा है। यहाँ पर प्रतियोगी छात्रों के संगठन भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा ने लॉकडाउन के वक्त PCS का ऑनलाइन आवेदन शुरू किए जाने पर नाराजगी जताई है। मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह की अपील पर कई प्रतियोगियों ने मुख्यमंत्री और कार्मिक विभाग के सचिव को ट्विटर एवं ईमेल भेजकर विरोध जताया। इनका कहना है कि सभी अभ्यर्थियों के पास लैपटॉप, स्कैनर आदि नहीं है, तो वे लॉकडाउन के वक्त आवेदन कैसे करेंगे। कई अभ्यर्थी सरकारी सेवा में और कोरोना में ड्यूटी कर रहे हैं, लोगों को आवेदन में दिक्कत आ सकती है। और आज की लास्ट न्यूज ये, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, 3 वर्ष का रजिस्ट्रेशन पूरा करने वाले अधिवक्ताओं को 5,000 रुपये देगी सरकार। जी हाँ दोस्तों,
एडवोकेट्स के लिए यहाँ पर एक बड़ी अपडेट है। प्रदेश के विधि एवं न्याय मंत्री बृजेश पाठक ने अधिवक्ता हितों के मद्देनजर दो बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने जिले व तहसीलों में 3 वर्ष का रजिस्ट्रेशन पूरा करने वाले अधिवक्ताओं को बिना किसी परीक्षा 5,000 रुपये दिए जाने और कोरोना संक्रमित अधिवक्ताओं के इलाज का खर्च प्रदेश सरकार के स्तर से उठाने का ऐलान किया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे अपने अदर स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर दें, अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें ताकि अदर लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। और दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।